आइए नाज़रीन, आज हम आपको ईद पर तैयार होने वाली एक और रेसिपी देते हैं। अब जब हम एडिट करने लगे हैं तो हमें अंदाज़ा हुआ है कि कितनी सारी चीज़ें हमने बनाई थी ईद के मौके पर। तो ये ट्राइफल है, इनके जो टम्बलर्स हमने तैयार किए थे वो तो हमने आपको दिखा ही दिए थे। कीवी फ्रूट्स हैं, ग्रेप्स हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं, स्पंज केक है और क्रश्ड पाइन एप्पल है, कस्टर्ड है, बना बनाया ही लिया है, फिजी ड्रिंक है, कोई भी पाइन एप्पल क्रश ले लें या पैशन फ्रूट की ले लें, दोनों ही अच्छी लगती हैं। तो कीवी फ्रूट जो है वो हमने सबसे पहले छील लेना है और फिर हमने स्पंज केक जो है उसको स्लाइस कर लेना है, क्यूब्स में काट लेना है। तो बेहतर है कि बना बनाया स्पंज केक लें। इस तरह का केक जो है वो बन तो जाता है घर में भी, लेकिन वो एक मेहनत तलब काम है और ऐसे मौक़ों पर काम भी ज़्यादा होते हैं। तो काफ़ी सारा जो केक है वो हमने एक बोल में डाल दिया है, डिश में डाल दिया है। और बोल आपने ऐसा लेना है जिसके बाहर से दिखे, कि आपको लेयर्स दिखें, खूबसूरती इसकी जो है ट्राइफल की वो नज़र आए। तो जो केक हमने डाला है इसके ऊपर अब हमने फिजी ड्रिंक डाल देनी है, कोई 1/3 कप डाली होगी, बहुत ज़्यादा नहीं, दरमियानी, इतना है कि ये चूस ले अच्छी तरह से। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसका फिर जब ये लिक्विड हम इसमें डाल देते हैं तो ये ठंडा हो जाता है, इसका टेम्परेचर और होता है, काफ़ी चिल हो जाता है, बहुत मज़ेदार लगता है फिर ये ट्राइफल में। तो कीवी फ्रूट हमने काट लिया है और इस तरह पर सारा केक के साथ साथ हमने साइडों पर कीवी फ्रूट सजा दिया है। तो इसलिए हमने कहा था कि एक क्लियर बोल लें जिसमें आपको बाहर से दिखाई दे। अब स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो हमने लॉन्ग वे काट ली हैं और उनको इस तरह पर सजा दिया है। तो जो मर्ज़ी सजा लें, जैसे मर्ज़ी सजा लें, सभी अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत बनता है। और इसके बाद आपने ऊपर कस्टर्ड डाल देना है, कस्टर्ड ठंडा हो, गर्म ना हो, वरना यह है कि फ्रूट जो है वो बेचारा मुरझा जाता है। छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो हमने फ्रूट के इसके ऊपर डाल दिए हैं, कुछ कीवी फ्रूट डाल दिया, कुछ स्ट्रॉबेरी डाल ली, जो फ्रूट आपको पसंद हो, ग्रेप्स पसंद हैं आप ग्रेप्स डाल लें, हमें वैसे ट्राइफल में ग्रेप्स बहुत अच्छे लगते हैं। अब हमने क्रश्ड पाइन एप्पल जो है वो इसमें डाल दिया है, जो कैन हमने आपको पहले दिखाया था वो है। और इसके बाद हमने फिर कस्टर्ड की एक लेयर जो है वो डाल देनी है। फिर हमने डबल क्रीम ली है, थिकन क्रीम, ताकि ये ना हो कि हम उसे डालें तो एकदम से वो कस्टर्ड में ही चली जाए। तो कस्टर्ड की थिकनेस भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल रनी नहीं है, और इसके ऊपर हमने अब ये क्रीम डाल देनी है। थिकन क्रीम भी डाल सकते हैं, डबल क्रीम भी डाल सकते हैं, हमने बस उसकी एक लेयर ही इसमें बिछानी है। तो इस तरह पर डाली है और इसको फिर हमने स्पैचुला से बराबर कर लिया है, और किनारों में भी कोशिश की है कि वो जाए, ताकि साइड से वो वाइट लाइन जो है वो दिखे। अब ये जो जैली बची हुई थी टम्बलर्स में डालने के बाद, वो हमने ऐसे ही जमा ली थी, तो वो हम इसके ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि खाया ही जाना है ये। तो इसके ऊपर हमने फिर जो इस ट्राइफल के लिए जैली जमाई हुई है वो डालेंगे। तो हम चाहते तो क्यूब काट के भी डाल सकते थे, लेकिन हमने वैसे ही इसको ऊपर डाल दिया है। ग्रेप्स हमने डाले हैं और ऊपर हमने फिर जैली डाल दी है। तो कोई भी फ्लेवर जो आपको पसंद हो आप बना सकते हैं, पता नहीं ये कौन सा फ्लेवर था जो हमने सेट किया है। अब हमने ये जो व्हिप्ड क्रीम है कैन वाली, वो थोड़ी बहुत इसके ऊपर सजा देनी है। हमें ये कुछ बहुत ज़्यादा नहीं आता है, तो हमें यकीन है हमारे साथ ही इसको हमसे ज़्यादा बेहतर तौर पे सजा सकेंगे। तो ये हमने ब्लूबेरीज जो हैं वो रेसबेरी के अराउंड रखती हैं, और यूँ हमारा ये जो ट्राइफल है ये तैयार हुआ है। तो प्यारा बनता है, खूबसूरत लगता है, ख़ासकर साइड से देखने पर बहुत ही हसीन दिखाई देता है। तो ये तो थी हमारी रेसिपी, खुदा करे कि ये आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।